I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. You love. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. तो लॉकडाउन ने लोगों को सपने कई सारे दिए हैं, उनको पैशन फॉलो करने का बहुत सारा अवसर दिया है। और अब आज मैं मुलाकात कर रहा हूँ प्रीति नंदा जी से, जिन्होंने लॉकडाउन के बाद में, मतलब उस दौरान इन्होंने देखा कि कुछ ऐसा पैशन होना चाहिए जिसमें पूरी दुनिया जी सको, तो उन्होंने रॉयल एनफील्ड की मिटियोर खरीद ली है। और मेरे साथ हैं अभी प्रीति जी, तो उनका सबसे पहले स्वागत है। प्रीति जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मैम करती क्या हो आप? मैं बाय प्रोफेशन होटेलियर हूँ। होटल में कहाँ पे? ललित होटल में मैं जॉब करती हूँ एंड सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो बहुत बढ़िया, तो वहाँ से ये बाइक वाला पैशन कहाँ से आ गया? ड्यूरिंग लॉकडाउन मुझे पैशन मैंने फॉलो किया। मैंने ऐसे ही रैंडम में कुछ वीडियोस देख रही थी, तो मुझे कुछ वुमेन राइडर्स दिखी, तो उनके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया और एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि ये पैशन है जो अभी तक अनटच्ड है मेरे मुझसे, तो फिर मैंने इसको फॉलो किया। तो ये प्योर लॉकडाउन में ही आपके दिमाग में आया या पहले से आपने कभी सोच के रखा था कि मुझे बाइकिंग करनी है? नहीं, इनफैक्ट पहले मैंने कभी भी नहीं सोचा था, ये लॉकडाउन में ही आया मेरे दिमाग में। तो मैंने अपनी फ्रेंड की एक बुलेट बोरो करी और मैंने थोड़ा चला के देखा, तो मुझसे चली, तो मुझे लगा कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ और मुझे करना चाहिए ये। इसके पहले कुछ आप राइड करते थे, स्कूटर वगैरह? हाँ, एक्टिवा राइड करी हुई है, कार ड्राइव करती हूँ मैं। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिफ़िकल्टी लग रहा है पहले बताइए। नहीं, मुझे डिफ़िकल्टी तो एज सच कुछ भी नहीं लग रही है, जस्ट दैट आपको मैनेज करना आना चाहिए, सीखना ही इसको आना चाहिए प्रॉपर। आपके पास गेयर होने चाहिए, विदाउट गेयर मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मत इसको चलाएं, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। तो आपने खरीदी कभी से? एग्जैक्टली वो डेट कौन सा था? 6 नवंबर को ये लॉन्च हुई थी एंड 8 नवंबर को ये मेरे घर में खड़ी हुई थी। और सुना कि इसको खरीदने के बाद कुछ ट्रेजडी हो गई थी आपके साथ? हाँ, मैं 8 नवंबर को ख़रीदी थी और फिर मैं अभी लर्नर स्टेज पर ही थी और 21 नवंबर को मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो वहाँ पर लगा नहीं कि वो छोड़ देना चाहिए, हो गया? नहीं, मुझे ये थॉट कभी भी नहीं आया। इनफैक्ट काफ़ी घर वालों ने, आसपास के लोगों ने मुझे काफ़ी बोला कि नहीं अब मत टच करना, बहुत तुम्हारे लिए हैवी है, नहीं करनी चाहिए राइड तुम्हें। बट अंदर से मुझे कभी ये थॉट नहीं आया कि मुझे नहीं राइड करनी चाहिए। तो मिटियोर 350 ही क्यों चुनी? नहीं, मेरा मन था क्लासिक 350 लेने का, बट देन मुझे बताया गया कि मिटियोर एक ऐसी सेगमेंट की बाइक है जो आने वाली है, जो कि परफेक्ट है वुमेन राइडर के लिए, बिकॉज ये काफ़ी लो सीटेड है एंड वेरी कंफर्टेबल आल्सो। तो इसलिए मैंने फिर पढ़ना इसके बारे में स्टार्ट किया, एक्सप्लोर करा। अदरवाइज़ कॉम्पिटिशन में हाइनेस थी, पैराग थी, जावा पैराग थी जो मैं देख रही थी। तो जावा पैराग तो अगर खरीदते तो मुझे लगता है और किसी को ऑफर भी नहीं कर सकते थे भी बिठाने के। एब्सोल्युटली, ये सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक था जिसकी वजह से मैंने वो लेट गो करा, मैं नहीं खरीदी मैंने जावा पैराग, क्योंकि उसमें पीछे कोई सीट नहीं थी। और चला वाला के देखते थे, टेस्ट ड्राइव लेते थे या ऐसे ही देख के खुश हो जाते थे कि भाई ये वाली खरीदनी है? एक्चुअल में हुआ तो ऐसे ही था, क्योंकि मुझे तब चलानी तो आती नहीं थी, तो मैं देख के खुश हो जाती थी। तो इस ये कितने में पड़ी आपको मिटियोर, कौन सा वेरियंट है? ये वेरिएंट स्टेलर है, ये मुझे नियर अबाउट 220 का पड़ा विद लेग गार्ड एंड एवरीथिंग। कितना इंतज़ार करना पड़ा था इसके लिए? नियर अबाउट 4-5 मंथ्स। और अब तक कितना चला चुके हो, क्योंकि आप तो सीख भी रहे हो, तो मुझे पता है आपने बहुत नहीं चलाया होगा, बट सीखने में कितनी चल गई है ये? टोटल 1200 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है। और सबसे लंबी दूरी की यात्रा कौन सी की है आपने इससे? ज़्यादा नहीं, पर अक्षरधाम तक। अच्छा, अक्षरधाम तक आप गए, बाकी यहीं पर आप सीख ही रहे हो, 1200 किलोमीटर सीख डाला आपने? नहीं, ऑफ कोर्स घर वालों ने भी इसको चलाया है, फ्रेंड्स फैमिली ने भी चलाया है, बट प्योरली मैंने, ऐसा नहीं कि प्योरली मैंने ही इसको राइड किया है 1200 किलोमीटर। तो कितना माइलेज दे रही है आपके हिसाब से? ये 35 का माइलेज दे रही है। इतना माइलेज तो अच्छा माइलेज होता है ना? अच्छा होता है। आगे क्या है प्लानिंग, कहाँ जाना चाहोगे अपनी बाइक को लेकर, क्योंकि आपके आपका सपना तो बाइक वाला पूरा हो गया है, तो इसको लेके कहाँ उड़ने वाले हो आप? नहीं, अभी मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा सपना काफ़ी आगे तक है बाइक के साथ जाने का। मैं टूरिंग करना चाहती हूँ, लेह लद्दाख जाना चाहती हूँ, ट्रिप्स करना चाहती हूँ इसके ऊपर, सोलो ट्रिप विद ऑफ कोर्स विद द ग्रुप। तो वो सपना अभी पूरा होने में टाइम है। तो आप कनेक्ट होना शुरू हो गए हो लोगों से बाइक लेकर, या अभी बचा हुआ है अभी सबको एक्सप्लोर करना है? और नहीं, मैं कनेक्ट होना स्टार्ट हो गई हूँ। इनफैक्ट मैं वीमा ग्रुप में भी हूँ, जो कि हमारा वुमेन राइडर ग्रुप है, तो मुझे उसमें अपडेट्स मिलते रहते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स हम थोड़ी सी राइड पे भी गए हैं नोएडा साइड, तो मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ लोगों से। हम
तो इस मीटियोर में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? मुझे पता है आप नए नए हो, बट फिर भी ये सवाल लाजमी है आपसे पूछना। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो आपका इसका राइडिंग पॉस्चर है वो बिल्कुल भी थकाने वाला आपको नहीं है। आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी अब तक कितना एक्सपीरियंस आपने किया हो, कौन सी गाड़ी चलाते हो बता दो। मैं क्रेटा चलाती हूँ, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ऑफिस लेके जाना आना तो चलाती हूँ मैं। तो अभी गाड़ी से बाइक पर, मतलब अब तो आप पैशन के लिए इस पे आओगे तो गाड़ी तो छूट ही जाएगी एक तरह से देखा जाए, क्या ऑफिस वगैरह भी लेकर जाना पसंद करोगे अपने मीटियोर को? बिल्कुल, मैं ऑफिस भी इसको लेके जाना पसंद करूँ। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो आप? बस थोड़ा और इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं थोड़ी सी और प्रो हो जाऊँ तो मुझे किसी और हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी आप जब रोड पर होते हो, सीख रहे होते हो, तो लोगों की जो रवैया होता है आपके प्रति, नज़रिया होता है, वो क्या होता है? कुछ समझ में आता है या यूँ ही अवॉइड करके चल देते हो? नहीं नहीं, बड़ा अमेजिंग सा रवैया होता है। इनफैक्ट रोड पे अगर आप लेके निकलो तो लोग देखते हैं, लोग शायद मीटियोर को कम देखते हैं बट इस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि ओह लड़की चला रही है, तो ये एक्सप्रेशन लोगों के चेहरे पे मैं देखती हूँ। अच्छा, एक बाइक किसी की भी पर्सनालिटी में कितना बड़ा रोल प्ले करती है, जब वो उसकी पर्सनालिटी बोलते हैं ना बहुत स्ट्रांग हो गई, बहुत चमकदार हो गई है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मुझे लगता है जब आप इसको चलाते हैं तो जब आप इसको जिस तरीके से बैलेंस करते हैं, हम अपनी डे टू डे रूटीन में भी ऐसे ही अपनी लाइफ बैलेंस करते हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ उतार कुछ चढ़ाव, ये हमेशा आता रहता है। और स्पेशली जब आप बाइक चलाते हैं तो आई थिंक उस टाइम पे आपका जो एक मेंटल पीस होता है वो आप कुछ नहीं सोच रहे होते सिवाय अपनी बाइक और अपने बारे में, तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, एक कनेक्ट होता है, ये सिर्फ वही जान पाएंगे जो राइडिंग करते हैं। अच्छा, आप जॉब करते हो, बहुत सारे स्ट्रेस लेते होगे, जब से ये बाइक आपकी ज़िंदगी में आई आपको लगता है कि ये तनाव कम करने में कुछ मददगार हो रही है? 100%। अब मैं वीकेंड का वेट करती हूँ, मुझे सैटरडे संडे का इंतज़ार रहता है कि कब मेरे पास बहुत सारा टाइम हो दिन में और मैं इसको निकालूँ और मैं इसको राइड करूँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो अगली डेस्टिनेशन कौन सा होगा जहाँ पर आप तो सीख चुके हो, कहाँ पहुँच जाओगे इसको लेके अगली बार जब मिलेंगे तो आप क्या चला के आ चुके होगे? अभी तो ऑफकोर्स डेस्टिनेशन आउट ऑफ दिल्ली, मैं कुछ मे बी चंडीगढ़ या जयपुर की राइड करना चाहूँगी, तो मैं आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहूँगी जब मैं इतना राइड कर लूँगी तो। तो दोस्तों, ये थी प्रीति, जो कि बहुत ही आप देख सकते हैं एकदम खुश होकर अपनी राइडिंग पर ध्यान दे रही हैं, चोट भी लगी उन्होंने अवॉइड कर दिया, इनको लगता है कि ये जो बाइक है ना इनको बदल कर रख देगी और इनके पैशन को पूरी तरीके से फॉलो करवाएगी और पूरी दुनिया को देखेंगी अपनी इस मोटरसाइकिल से। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझसे या प्रीति से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आए, मेरा इंस्टाग्राम है amit.dwivedi, सवाल करें, सारे जवाब ले जाएँ। The way my hands feel on your body, paper dancing in the dark.